हेलो दोस्तों, मैथ क्लास 10 चैप्टर 4.1। इसमें क्या करना है, चेक करना है कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, चेक द वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि एक एक्स के पावर 2 होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए और यहाँ पे सी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हम लोग इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर इसे कंपेरिजन करवा लेंगे। अगर इसमें हम बैठेगा तो ठीक है, देख लेते हैं। इसको एक्सपेंड करिए तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, तो अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इन लोगों को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। और देखिए प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, ये माइनस 6 है इधर आएगा तो प्लस 6। अब इधर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये माइनस 2x प्लस 2x ये माइनस 2x ये कट गया। ठीक है, ये प्लस 1 ये प्लस 6 हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करते वक्त ये देखना चाहिए कि जो स्क्वायर वाला टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक्स वाला टर्म जीरो हो सकता है, सी कांस्टेंट टर्म जीरो हो सकता है, लेकिन एक्स के पावर 2 जीरो नहीं हो सकता है। तो हम लोग इससे कंपेरिजन कर लेते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब कि b बराबर हम लोग 0 ले लिए हैं, इसलिए हमारा ये टर्म 0 हो गया है। दूसरा टर्म यानी कि हम बोल देंगे ये वाला जो x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।